ओके स्टैंडर्ड एट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एक्सरसाइज नंबर 6.3। अब एक्सरसाइज नंबर 6.3 में सेवन्थ नंबर देखो, फर्स्ट टू सिक्स में हमने देख लिया था, ये यूनिट डिजिट वाला है फर्स्ट वाला। सेकंड वाला जो है उसमें बोला है कि कोई भी कैलकुलेशन करे बिना बताओ कि ये सॉलिड स्क्वायर नहीं है, वो फिर ये है सबसेक्शन मेथड देख ली थी, फिर हमने प्राइमरी फैक्टराइजेशन देख लिया था। ओके ये सब देख लिया था। अब सेवन नंबर, तो सेवन नंबर में जो स्टेटमेंट दिया है वो देखो एक बार, क्या दिया है। द स्टूडेंट, एक क्लास के स्टूडेंट दिए हुए, ऑफ अ स्कूल डोनेटिंग, कितने रुपए डोनेट कर रहे हैं, 2401 इन ऑल। मीन्स जितने भी क्लास के स्टूडेंट है सब लोग ग्रुप में इतने रुपीज डोनेट कर रहे हैं, कहा पीएम रिलीफ फंड में, कहा पीएम के नेशनल रिलीफ फंड में। इच स्टूडेंट डोनेट एज मैनी एज रुपी एज द नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास। मीन्स क्लास के अंदर जितने स्टूडेंट है वो उतने रुपीज डोनेट कर रहे हैं, तो फाइन कर द नंबर ऑफ द स्टूडेंट। तो अल्टीमेटली पूछा गया है, देखो लाइक हमारे क्लास में 20 बच्चे हैं, हमारे क्लास में 20 बच्चे हैं, और 20 बच्चों ने 20-20 रुपए डोनेट किए, तो टोटल कितना होगा, तो 20 का स्क्वायर मीन्स 400। ओके तो यही बात हो रही है कितनी, कि एक क्लास है इसमें क्लास के बच्चों ने इतने रुपीस डोनेट किए हैं, लेकिन वो कैसे किए कि क्लास में जितने बच्चे हैं ना उन्होंने उतने उतने रुपीस भी दिए हुए, ये लिखा है ना, ये सेंटेंस का मीनिंग ये होता है, ईच स्टूडेंट डोनेट एज मैनी एज रुपीज एज द नंबर ऑफ द स्टूडेंट। तो जितने स्टूडेंट है, लाइक 20 बच्चे है तो 20 रुपीज, 30 बच्चे है तो 30 रुपीज, 40 बच्चे है तो 40 रुपीज डोनेट किए है, और वो सब कंबाइन होकर इतना बन रहा है। अभी देखो इसको हम मैथ्स में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सिंपल मैथ्स, कि अगर एक्स स्टूडेंट है, क्या एक्स स्टूडेंट है, और हर स्टूडेंट ने एक्स रुपीज डोनेट किया है, तो जितने स्टूडेंट और एक स्टूडेंट ने जितना डोनेशन किया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको टोटल स्ट्रेंथ मिलेगी। तो टोटल यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 2401, तो एक्स स्क्वायर मीन्स कितना होगा, 2401। तो अब इसका स्क्वायर फाइन करना है तो बस हमारे फैक्टराइजेशन से फाइन करो, 2401 तो 2 से नहीं कटेगा, तो 8 में देखो 4 है 2 है मीन 6 और 7, तो ये तो 8 से भी नहीं कटेगा, तो डायरेक्टली किससे काटेंगे, 5 से चेक करो, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, 7 से ट्राई करो, होता है 7 से 3 जा, 7 से चेक करो, 7 से 3 जा, 7 3 जा 21 तो 3 बचा, 7 4 जा 28 तो 2 बचा, तो 7 3 जा, ओके तो 3 4 3। अभी देखो 6 और 4 ये किससे कटेगा, अगेन ट्राई करो 7 से, तो 7 से, तो 7 4 जा 28, अब बचा 4 6 बचा, तो 7 9, अभी भी 7 से 7, अभी भी 7 से 1, तो कितना 7 की 2 पेयर बनी, टोटल कितना आया, 7 क्रॉस 7 क्रॉस 7 क्रॉस 7, तो टोटल 7 की कितनी पेयर बची, 7 की कितनी पेयर बनी, 2 पेयर। तो स्क्वायर निकालने के लिए क्या करते हैं, जो दो बार आता है पेयर में उसको एक बार लिखते हैं, तो 7 यहाँ पे भी और 7 यहाँ पे, तो 7 क्रॉस 7 तो कितना हो जाएगा, 49, कितना हो जाएगा, 49। सेम क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 2025 प्लांट है, वो प्लांट किए हुए गार्डन में, कैसे, सच अ वे दैट ईच रो कंटेन मैनी प्लांट एज नंबर ऑफ रो, फाइंड द नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ प्लांट। बस वही बात है यहाँ पे भी, कि अगर नंबर ऑफ रो कितनी है x, तो नंबर ऑफ रो में जो प्लांट है, एक रो में जो प्लांट है ना वो भी कितने होंगे x, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आपको दिया हुआ है 2025, तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2025। बस उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लेते हैं स्क्वायर, तो 2025 तो 579 तो 3 से कटेगा, तो 3 से 6 1 5 7 ओके चलो फिर से करते 2025, अभी 2025 तो चलो 3 से ट्राई करो, 3 6 यहाँ पे 2 22
तो अगेन 3 7 जा 1 बचा तो 3 5 जा। अभी 6 और 7 कितना होता है 13, 13 और 5 तो अभी भी 3 से कटेगा तो 3 2 जा 2 जा और 5 अभी 3 से नहीं कटेगा, अभी भी 5 7 अभी भी 3 से कटेगा तो 3 7 जा 1 तो 5 अभी भी 3 से कटेगा तो 3 2 जा 1 तो 5 और ये 5 से 5 5 से 1 तो ये 2 बार 5 तो उसको हम कितनी बार लिखेंगे 1 बार। फिर ये 2 बार 3 तो उसको हम कितनी बार लिखेंगे 1 बार। तो यहाँ तक पहुँच गए। अभी ऊपर बचा था तो अगेन 3 तो टोटल कितना आ गया 5 3 जा 15 15 3 जा 45 तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 45। मीन्स नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ रो 45 और एक रो के अंदर प्लांट भी कितने हैं 45। तो ऐसे करके आप कोई भी किसी का भी स्क्वायर निकाल के ऐसे फाइंड कर सकते हो। ओके ये हो गया एग्जांपल नंबर 7 और 8। ओके।